बाकी मम्मा वहाँ पे निकाल रहे हैं इसका गाय का दूध, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। तो ना देखो इस गाय की बछड़ी को भी ना गाय के पास छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, यार बताओ तभी दूध देगी ये। चल लेकिन ना अब ये घास खाती है तो इसको ज़्यादा दूध नहीं देंगे हम, ठीक है। और जानते हो ये ना दूध पीती नहीं अब, क्योंकि ये अब घास बढ़िया खा लेती है ना, तो इसलिए अब। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया। तो ब्लॉग नए हो चुका है बहुत ज़्यादा टाइम, तो देखो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ से, गाय के घर से, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के, बज रहे हैं 5 और ना ठंड काफ़ी ज़्यादा आ गई है विलेज में। तो देखो हमने जैकेट वैकेट सब डाल के रखी हुई है, क्योंकि ना आपको तो पता ही है ठंड कितनी होगी है यहाँ पे, इसलिए चलो आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखो कैसे देख रही है, जो इनको मैंने घास डाला था ना, मतलब देखो ये पत्तों वाला, अब इनकी ना ये लकड़ियाँ उठानी पड़ेंगी मुझे, देखना यार। कहते हैं ना मतलब काम इतना आसान भी नहीं होता इनका, समझ रहे हो? देखो कितना ज़्यादा इसने, ये सारी लकड़ियाँ ना उठानी पड़ेंगी ऐसे नहीं। अभी कहाँ, अभी उधर गाय के पास भी होंगी, अभी सोचो इसके बच्चे नहीं इतना। देखो यार ठीक है, अब इधर दिखाता हूँ। चलो अब गाय को तो मम्मा उधर लेके जा रही है, क्योंकि अभी दूध निकालना है ना इसका, ठीक है। बाकी इधर देखो आप कितना सारा कचरा है यहाँ पे, देखो। तो देखो सभी को ना जहाँ पे हम फेंक देते हैं बाद में, जो भी वेस्टेज होती है ना वो यहाँ पे, और बाद में इसको जला देते हैं। और ये हमने लगाया है अपनी गाय के लिए घास, देखो क्योंकि आप जैसा देख रहे हो ना बाकी का, देखो कैसे सूखा पड़ा है मतलब। और यहाँ पे घास भी हमने बीज रखा है इसके लिए, तो देखो कैसे हरा भरा लग रहा है, सही है ना। तो ना देखो इस गाय की बछड़ी को भी ना गाय के पास छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, यार बताओ तभी दूध देगी ये। चल लेकिन ना अब ये घास खाती है तो इसको ज़्यादा दूध नहीं देंगे हम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मतलब, समझ रहे हो? और जानते हो ये ना दूध पीती भी नहीं अब, क्योंकि ये अब घास बढ़िया खा लेती है ना, तो इसलिए अब मतलब थोड़ा ऐसे बांधना पड़ता है गाय के पास, इसलिए ठीक है। और ना ठंड अभी काफ़ी बढ़ गई है, जैसे अभी दिसंबर की 17 तारीख तो हो गई आज, है ना, तो ठंड भी जहाँ मतलब गांव में आ ही गई है लगभग। बाकी देखो हमारी गाय, एक यहाँ पे आपको पता होगा तो एक गोट भी होती थी, लेकिन वो ना अभी नहीं है। अभी ना एक्चुअली थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना, तो वीडियो की ना क्वालिटी इतनी साफ नहीं आ रही है जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसके लिए थोड़ा है ना। बाकी इसको देखो यार, गाय और इसके बच्चे का आपस में प्यार देखो आप। बाकी मम्मा वहाँ पे निकाल रहे हैं इसका गाय का दूध, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। और इसके लिए अभी रात के खाने के लिए देखो ये है, इसको रात को हम डालेंगे ये, सुबह डालेंगे कुछ और जो बताऊंगा आपको बाद में। तो देखो यार दूध तो हमने निकाल लिया, लेकिन यार लेकिन थोड़ा सा दूध ही दिया जिसने गाय, क्या हो गया तेरे को यार बताओ? आज ना कुछ नाराज नाराज सी लग रही है ये, इसलिए शायद। चलो ठीक है जो भी है। और यहाँ पे इसको हम बांधेंगे, ठीक है, अंधेरा हो रखा है तो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही है ना, थोड़ा मैनेज कर लेना यार, ओके। तो सबसे पहले देखो गाय के बछड़े को अंदर बांधेंगे हम, उसके बाद गाय को भी अब ले ही चलते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम दे देंगे इसको मम्मा को, वो देखो इसका बच्चा, और यहाँ पे हम बांधेंगे गाय को, ओके। तो ये देखो ये डाल रहे हैं हम अपनी गाय के लिए घास, ये इसको भी डाल दिया देखो यार, और जो कि खा रही है देखो बहुत चाव से।
ठीक है, इसको घास वगैरह हमने डाल दिया है, अब आ जाओ बाहर। तो अभी देखो दरवाजे को कर देते हैं बंद, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ठंड कैसे बढ़ गई है ना, तो इनको भी यार ठंड लगती है, इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। ठीक है, दरवाजा वगैरह लॉक कर दिया हमने, लॉक तो मतलब बंद कर दिया। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपको बस यही दिखाना था। जल्दी मिलेंगे ठीक है नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।